एचआर सर, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों, कक्षा 6 की वो जो बुक है सामाजिक विज्ञान विषय की, वो मेरे साथ आप लोगों के साथ बात कर रही है और आप लोगों को बता रही है कि वह आप लोगों की किस प्रकार से सहायता कर सकती है। टॉपिक से बात करेंगे तो टॉपिक आपके साथ रहेगा। क्या 6 लेसन अपन जो पढ़ चुके हैं, क्या आपने उनसे दोबारा से बात की? क्या आपने दोबारा से वो क्लासेज रिवाइज की? अगर नहीं की तो आप एक बार पुनः रिवाइज कीजिए उनको। हम चल रहे हैं उसी लेसन में आगे, कक्षा 6 लेसन 6 का पार्ट 2 उसी में, और 7वें लेसन में क्या महत्वपूर्ण शब्द जो आपके कैरियर मेकिंग का कार्य करेंगे, कौन कौन से शब्द हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कक्षा 6 का पार्ट 6। महाद्वीप आप लोगों ने पढ़े थे और कुछ महत्वपूर्ण बातें कक्षा 6वीं की बुक में है, महासागरों से संबंधित भी। कौन कौन से महासागरों से संबंधित क्या क्या बातें हैं अपन चर्चा करेंगे आज। तो नंबर फर्स्ट में आपको बात कर रहा हूं कि पहले महासागर जो है उसमें प्रशांत महासागर के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि प्रशांत महासागर जो है, ये देखो, ये छोटी छोटी बातें जो है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुख्य बातें मैं आपको बताऊं प्रशांत महासागर की, कक्षा 6 में क्या क्या बातें बता रखी है। बहुत सारी बातें प्रशांत महासागर में, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स रीड नहीं कर रहे हैं अपन, 6 क्लास की बात रीड कर रहे हैं कि इसका आकार त्रिभुज के समान है। प्रशांत महासागर का आकार किसके समान है? त्रिभुज के समान है। और आप इस प्रकार से भी त्रिभुज बना करके उसमें प्रशांत लिख सकते हैं, प्रशांत महासागर जो है वो त्रिभुज के समान महासागर है। पहली लाइन तो इसकी ये है। दूसरी बात, इसमें कुछ द्वीप स्थित है, ठीक है, कौन कौन से द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है? देखो, नंबर 1 जापान, फिलीपींस, इनके बारे में, ये जापान है, फिलीपींस है और न्यूजीलैंड, ये जो द्वीप हैं कहां पर स्थित हैं? इसी प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड, ये प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड द्वीप है, ये है। ये जो द्वीप हैं कहां पर स्थित है भाई? प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी बात बताई जा रही है आप लोगों के साथ, आप लोगों को या आप उनके बच्चे लोगों को ये बातें हम बताई जा रही है, बेसिक कंसेप्ट है कि जापान कौन से महासागर में स्थित है, फिलीपींस कौन से महासागर में स्थित है और न्यूजीलैंड कौन से महासागर में स्थित है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात, प्रशांत महासागर में ये बताई गई है कि यहां विश्व सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी, ठीक है, सबसे अधिक विश्व के लगभग 60-65% जो है, 60% भूकंप व ज्वालामुखी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, अग्नि श्रृंखला, प्रशांत महासागर की अग्नि पेटी या अग्नि श्रृंखला कहते हैं। और ये अग्नि श्रृंखला जो है कौन कौन से महाद्वीपों को टच करती है यह भी बताया गया है। अग्नि श्रृंखला जो होती है वह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों को टच करती है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसको, इस प्रकार से ये फैली हुई है प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला जो है, इसमें सर्वाधिक विश्व के 60% जो भूकंप व ज्वालामुखी जो है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से को टच कर रही है? यह ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया इधर है ही, फिर एशिया महाद्वीप आ जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा और फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला जो है, अग्नि श्रृंखला किसे कहेंगे? अग्नि श्रृंखला किससे संबंधित है? फायर रिंग्स किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे भूकंप व ज्वालामुखी का वह क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक संख्या में विश्व के अधिकांश भूकंप आते हैं, कौन से महासागर में? महासागर में है प्रशांत महासागर की, उसको अग्नि श्रृंखला अपन कहते हैं, तो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट, सबसे गहरा गर्त जो है, जिसको कहते हैं सबसे गहरा गर्त के बारे में इसमें बताया गया है, तो 11 किलोमीटर जो गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त प्रशांत, सबसे गहरा गर्त भी, गहरा गर्त ये भी कहां पर है? प्रशांत महासागर में, भाई कहां पर है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है। दोस्तों, डेली क्लास डाल रहे हैं हम, रोज एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं छूट नहीं जाए, कहीं लग से हाथ से फिसल न जाए, ठीक है।
तो लक्ष्य अपने हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, आप लोग तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों के साथ डेली आप लोगों के साथ खड़ा हूं, 6 से 10 तक की बुक्स के प्रत्येक लेसन के ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसी कड़ी में अपन चल रहे हैं, प्रशांत महासागर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी जो होते हैं, लगभग 60% विश्व के कितने परसेंट, 60% जो भूकंप जो आते हैं वो किसमें आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। और इसको प्रशांत महासागर के अग्नि श्रृंखला कहते हैं, फायर रिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी आ जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, फायर रिंग, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ जाता है इंग्लिश वाला हिंदी में, फायर रिंग कहेंगे इसको, फायर रिंग प्रशांत महासागर के, ठीक है। कौन कौन से महाद्वीपों को ये टच करती है फायर रिंग, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इनको ये टच करती है प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है जिसको कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। क्या कहते हैं भाई, मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। ये भी बढ़िया प्रश्न, खूब बार राजस्थान पुलिस है, पटवार है, सब में ये पूछा जाता है, आरएएस लेवल तक में भी पूछा गया है। जिसका जो गहरा है, गहराई इसकी जो है 11 किलोमीटर, इसकी गहराई है कितनी किलोमीटर है, 11 किलोमीटर गहरा गर्त है, कहां पर है, प्रशांत महासागर में, और इसको कहते हैं अपन मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है भाई, मेरियाना ट्रेंच। तो ये बस छोटी सी बात जो है प्रशांत महासागर के बारे में किसमें बताई गई है, कक्षा 6 की लेसन नंबर 6 में बताई गई है। नेक्स्ट अपन महासागर जिसकी बात करेंगे वह है अटलांटिक महासागर के बारे में, कक्षा 6 की बुक हमें क्या कहती है, अटलांटिक महासागर के बारे में कक्षा 6 की बुक हमें क्या कहती है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट महासागर है ये अटलांटिक महासागर। देखो अपन जो भी टॉपिक रीड करते हैं उनसे संबंधित बिंदु अपने दिमाग में होने चाहिए कि वास्तव में इसमें से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे हैं हालांकि, लेकिन अपन 6th क्लास का लेवल लेके चल रहे हैं कि कम से कम ये क्लियर हो जाए कि 6th तक हमने एक भी, मतलब 10th क्लास तक या 12th क्लास तक भी लेके जाएंगे इस बात को कि 12th तक हमने एक भी लेसन बिना पढ़े नहीं छोड़ा है सब्जेक्ट्स के। बेसिक जब क्लियर हो जाएगा किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप उसको फाइट कर जाओगे, ठीक है, याद करोगे, फाइट करोगे, डेली रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, मतलब तब जाके अपन सक्सेस होंगे, क्योंकि रिवीजन मस्ट है वरना सब डस्ट है। तो अटलांटिक महासागर जो है इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है कि यह सेकंड लार्जेस्ट महासागर है ना, सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात बताइए कि अटलांटिक जो है अटल एस, ठीक है, एस आकार का महासागर है, एस आकार का महासागर है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। एस आकार का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर जो है एकदम नाम ही अटल है, ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वह है अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, व्यापारिक महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। क्यों है भाई अटलांटिक महासागर, क्योंकि यह यूरोप व उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ता है अटलांटिक महासागर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, व्यस्ततम या व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, व्यापारिक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह महासागर है, पहली बात है ना, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महासागर है। क्यों, क्योंकि ये, और व्यस्ततम महासागर इसको अपन कह सकते हैं, व्यस्ततम महासागर, व्यस्ततम महासागर है। फिर नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो अटलांटिक महासागर किन किन को जोड़ता है भाई, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के बीच है, जो दोनों ही विकसित महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के बीच ये स्थित है, कौन सा, अटलांटिक महासागर यूरोप व उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, इसलिए सबसे व्यस्ततम ये व्यापारिक मार्ग प्रोवाइड करता है। और दो बैंक बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये मछली बैंक है, मछली उत्पादन के लिए यहां पर प्रसिद्ध है, मछली पकड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, कौन कौन से, डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, और जिसको कहेंगे डागर बैंक, बिल्कुल डागर बैंक व ग्रैंड बैंक, ठीक है, ग्रैंड बैंक व डागर बैंक यहां प्रसिद्ध है, डागर बैंक व ग्रैंड बैंक किससे संबंधित है, मछली
उत्पादन या मछली पकड़ने से, यहाँ मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है ग्रेट बैंक एंड डागर बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ महासागर, कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखना कि अटलांटिक महासागर एस के आकार का महासागर कौन सा है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है, ठीक है, डागर बैंक व ग्रैंड बैंक क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ है, तो बहुत बार ये प्रश्न बन चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस के आकार के भी खूब बार प्रश्न पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस में, एसएससी में ये पूछा जाता है। ये शायद सिलेबस में शायद रीड के में है या नहीं है, अभी सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे जो भी बात इसमें लिखी हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किससे संबंधित, अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। तीन चार बातें इसमें सिक्स क्लास में बताई गई हैं कि एक तो एस के आकार का है, दूसरी बात अपने डागर बैंक और ग्रैंड बैंक के बारे में बताई है, तीसरी बात यह बताई है कि व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर है, और चौथी बात यह बताइए कि यूरोप व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में यह स्थित है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हिंद महासागर, थर्ड कौन सा है, हिंद महासागर। बहुत सारी बातें इनके बारे में भाई, ठंडी गर्म जल धाराएं ये अलग अपन पढ़ेंगे, ठंडी व गर्म जल धाराएं जो है उनके बारे में है, लेकिन अपन अलग से इनको रीड करेंगे। अभी अपना टारगेट सिर्फ ये है कि छठवीं क्लास के जो पर्सन है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्या क्या है उसमें, फिर सातवीं क्लास को लेके जाएंगे, फिर आठवीं को लेके चलेंगे, या खूब सारे पर्सन इसमें से बनते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है थर्ड लार्जेस्ट है ना, थर्ड लार्जेस्ट महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। क्या क्या इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इनमें जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर जो है वो हिंद महासागर का ही पार्ट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सब जानते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है इसी में, ठीक है। और क्या खास बात है कि कई बार आ जाता है कि कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कॉमन बात अपना अपन चलेंगे कि श्रीलंका द्वीप, ये सबको पता है श्रीलंका द्वीप ये हिंद महासागर में है, ठीक है, श्रीलंका द्वीप ही है। नेक्स्ट है मॉरिशस द्वीप, यह भी कहां पर है, हिंद महासागर में है। भाई श्रीलंका को सबको पता है, मॉरिशस का सबको पता है, मेडागास्कर का सबको पता है, मेडागास्कर द्वीप ये खूब बार प्रश्न आता है, ये इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है, मेडागास्कर द्वीप काफी चर्चित रहता है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है, तो मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप हालांकि जिसको कहते हैं अरब सागर में है, लक्षद्वीप कहां पर है, अरब सागर में है, लेकिन अरब सागर को भी किसका पार्ट माना जाता है, हिंद महासागर का। तो कहीं टिक मत लगा देना कि लक्षद्वीप हिंद महासागर में नहीं है, लक्षद्वीप भी हिंद महासागर में है, ठीक है। इतनी सी बात जो सिक्स क्लास में इसके बारे में बता रखी है। फिर आर्कटिक महासागर के बारे में बता रखा है, तो आर्कटिक महासागर में कोई ज्यादा बात इसमें नहीं बता रखी है। आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव को घेरता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को घेरने वाला जो महासागर है आर्कटिक महासागर है, और दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा है, अंटार्कटिक है ना, तो उत्तरी ध्रुव को घेरने वाला महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। और इसको अपने आपको पता है बर्फीला महासागर भी कहते हैं, कौन सा महासागर कहते हैं, बर्फीला महासागर भी कहते हैं, ठीक है। और आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको अपन क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। ये बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन सा, बेरिंग जल संधि का, कौन सा भाई, बेरिंग जल संधि, ये कई बार प्रश्न आ जाता है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि जो है किन किन महासागरों के बीच है आप बताएंगे, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक और प्रशांत, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं आरावेरी प्रशांत, आरावेरी आर्कटिक, आर्क 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 आरावेरी प्रशांत, ऐसे लोग आप लोग याद कर सकते हैं, आरावेरी प्रशांत, क्या याद करेंगे, आरावेरी प्रशांत, ठीक है, या आक बेरी प्रशांत, आक इनके, आक क्या मतलब, इनके राजस्थानी भाषा जानते हो आप लोग। आर्क आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। ये
महासागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 6 की बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है अभी अपन चर्चा करेंगे लेसन नंबर 7 से, और लेसन नंबर 7 जो है वह है कटिबंध से संबंधित। लेसन नंबर 7 कटिबंध से संबंधित है, इनके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कटिबंध है और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से बनते हैं। नंबर 7 क्या कह रहा है, कटिबंध जो है वो किस कौन कौन से कटिबंध है। सब लोग इसको अपन थोड़ा सा ग्लोब की सहायता से रीड करेंगे कि 6वीं क्लास का 7वां लेसन अपने को किन के बारे में बताता है, कटिबंध के बारे में बताता है। आप लोगों को पता है ये पृथ्वी को अपन मान के चलते हैं, पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है। और इसके बीच में आपको बताया कि मैंने एक रेखा पहले भी आप लोगों को बताई थी, यह कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है भाई, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा का एक और नाम है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। सबको बताया आप लोगों को, इसको अपन कहते हैं 0° अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, 0° अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर इसके उत्तर में पाई जाती है कर्क रेखा और दक्षिण में पाई जाती है मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5° उत्तरी अक्षांश अपन कहेंगे, ये 23.5° दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये 23.5° उत्तरी अक्षांश मकर रेखा और यह है कर्क। यहां लिख ही देते हैं कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा, और ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। फिर यहां पर अपन लिखेंगे 66.1/2°, इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये भी आप लोगों को पता है। और यहां दक्षिणी ध्रुव में लिखेंगे ये 66.1/2° पर, कौन सा डिग्री अक्षांश पर है, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं, पहले तो अपन देखेंगे कि जो ताप कटिबंध है उनको अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। सबको पता है ना उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। शीतोष्ण जहां पर थोड़ी सर्दी भी है और जहां पर थोड़ी गर्मी भी है। शीत है जो उष्ण है ना, शीतोष्ण कटिबंध, जो शीत है जो उष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और शीतोष्ण कटिबंध के बाद जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है वह हो गया कौन सा, शीत कटिबंध, ठीक है। तो अपने इसको अपन चर्चा कर देते हैं कि भाई शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, शीत कटिबंध कौन सा है और उष्ण कटिबंध कौन सा है, ठीक है। तो दोनों लाइनों के मध्य में ये देखिए आप कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो भाग है इसको अपन उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये कौन सा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। अपने काम की बात है, यहां पर सूर्य की जो स्थिति है वो सूर्य लगभग लंबवत चमकता है, तो इसलिए कर्क रेखा व मकर रेखा का बीच का जो पार्ट है इसको अपन क्या कहेंगे भाई, उष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। यह 6वीं क्लास की बुक अपने को समझा रही है, मैं नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को। उष्ण कटिबंध अपन इसको कहेंगे, शय थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ऐसे उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। फिर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ठीक है, इनके बीच में कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा, शीतोष्ण, कौन सा कटिबंध, ये यहां पर इसको अपन डिजाइन नहीं करूंगा, शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया ये। इसी प्रकार की स्थिति दक्षिण में, इसको दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध भी अपन कहेंगे, दोनों में होता है, ठीक है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर ये जो 90° शीतोष्ण, ये आर्कटिक वृत्त और 90° अक्षांश के बीच जिसको कहते हैं ना उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर थोड़ा सा अपन डिजाइन कर देते हैं ये इस प्रकार से, दिस इज शीत कटिबंध, ये कौन सा हो गया, शीत कटिबंध है, यह है शीत कटिबंध हो गया, यहां पर है शीत कटिबंध, ठीक है। ये भी कौन सा है, शीत कटिबंध है। तो ये मुख्यतः ताप कटिबंध है, ठीक है। अब इनमें से क्या प्रश्न निकल करके आते हैं, उष्ण कटिबंध पाया जाता है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच, ठीक है। फिर शीतोष्ण कटिबंध उत्तर में तो कर्क रेखा व आर्कटिक वृत्त के बीच, और दक्षिण में मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक वृत्त व उत्तरी ध्रुव के बीच शीत कटिबंध, और अंटार्कटिक वृत्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच भी दक्षिणी शीत कटिबंध पाया जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, शायद कोई स्टूडेंट इनको गलत नहीं करता है,
तो फिर क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अपन और क्या बता रखा है इसमें कि जो भारत, श्रीलंका व ब्राजील जो है वह कौन से में आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। यहां पर यह काम की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। एक बार सेटी क्लास की बुक में से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया गया था हिंदी में, तो उसका भी लोगों को आंसर नहीं पता था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग तैयारी शुरू की आप लोगों ने, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं तो फिनिशिंग के लिए भी ये क्लास बहुत आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो कौन कौन से हैं उष्ण कटिबंध में, आप लोगों को इंडिया का तो पता ही है उष्ण का तेज गर्मी पड़ती है, भारत है तो श्रीलंका भी भारत के नीचे लटका हुआ है, तो भारत, श्रीलंका और ब्राजील जो है आप लोगों को पता है दक्षिणी अमेरिका में का अधिकांश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसका अधिकांश भाग जो है ब्राजील ने कवर कर रखा है, तो वह भी इसका ऊपरी शिरा जो है वह किसमें है, इन रेखाओं के बीच में है, उष्ण कटिबंध के भूमध्य रेखा के आसपास है, तो उष्ण कटिबंध जो है उनमें स्थित है। तो तीन देश जो उष्ण कटिबंध में स्थित है मुख्य मुख्य, एक तो भारत, नंबर सेकंड श्रीलंका और नंबर थर्ड है ब्राजील। भारत, श्रीलंका व ब्राजील जो है वह किसके लिए है भाई, उष्ण कटिबंध में स्थित है। आप लोगों को पता है ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, और कॉफी के जो बागान है वहां पर उनको अपन क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये खास बात है, भारत, श्रीलंका व ब्राजील जो है वह इसमें है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं ब्रिटेन व न्यूजीलैंड। कौन कौन से आ जाएंगे भाई, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड, और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को अपन चर्चा करें तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो है उसमें तो आता है ब्रिटेन, और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध जो है उनमें क्या आता है, न्यूजीलैंड। ब्रिटेन और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध में न्यूजीलैंड आ जाएगा। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, है ना। उत्तरी गोलार्ध में तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा है, ब्रिटेन है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है, न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। कौन सा है, न्यूजीलैंड। ये कॉमन बात है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को इनके बारे में पता है। तो इसके अलावा भी खूब सारे प्रश्न इसमें बनते हैं कि भाई शीत कटिबंध जो होता है वहां पर छह महीने के दिन व छह महीने की रातें होती हैं। कहां पर होती हैं भाई, छह महीने के दिन व छह महीने की रातें कहां पर होती हैं, शीत कटिबंध जो होते हैं वहां पर, यानी कि ध्रुवों पर छह महीने के दिन व छह महीने की रातें होती है। तो अपने लिए काम की बात क्या है कि कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, शीत कटिबंध में कौन कौन से हैं, शीत कटिबंध में कनाडा, फिनलैंड, कनाडा हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये किसमें है भाई, शीत कटिबंध में स्थित प्रमुख देश हैं। कनाडा है, फिनलैंड है और स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सारे शीत कटिबंध में है। स्वीडन भी लिख लो इसमें, स्वीडन जो है ये भी शीत कटिबंध में स्थित देश है। कौन कौन से हैं शीत कटिबंध में स्थित देश, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। भाई ये छोटी चीजें नहीं है, एग्जाम में पूछी जाती है। भाई यहां लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिक्स्थ क्लास की बुक है, मैं लिख रखे इसलिए छोटे पर्सन है अपने क्या याद करेंगे, नहीं, गाइड्स में नहीं मिलेंगे। कई बार आ जाए ऑप्शन बना के लिख दे, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत कटिबंध में स्थित है, ठीक है, या नहीं है, तो जो ये मान लो कि तुक्का लगाने वाली बात आती है वहां गलत हो जाते हैं पर्सन। और अगर फिर भी अपन सोचे ना तो फिर गंभीरता से इन प्रश्नों को लेना पड़ता है कि वास्तव में प्रश्न बड़ा खतरनाक आया है, आया हो चाहे छठवीं क्लास की बुक से ही, क्योंकि अपन ने उनको ध्यान नहीं दिया है उन प्रश्नों को। तो कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जो है वे शीत कटिबंध में पाए जाते हैं, शीत कटिबंध में स्थित देश है, ठीक है। श्रीलंका, भारत और ब्राजील जो है वह उष्ण कटिबंध में स्थित देश है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश ब्रिटेन है, और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। तो ये कुछ प्रश्न थे, फिर अपन मैं रिवाइज करवा देता हूं कि कर्क व मकर रेखा का जो पार्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, छठवीं की बुक अपने को पढ़ा रही है। नेक्स्ट ऊपरी जो इसको कहेंगे कर्क रेखा, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। तो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा वह आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र जिसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, और आर्कटिक वृत्त से
उत्तरी गोलार्ध का भी जो है वह शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आप मकर रेखा से भी इसकी इसका नाम वही रहेगा, सिर्फ अपन उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी व दक्षिणी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये छठवीं क्लास की बुक का लेसन नंबर 7 में बस इन्हीं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 8 है, और भी जैसे मान लो उत्तरी ध्रुव में एस्किमो शब्द, एस्किमो इग्लू है ना, एस्किमो क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव पर जो लोग रहते हैं बर्फीले स्थानों में, उनको शीत कटिबंध में जो लोग रह रहे हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग जो हैं, इसको अपन ये कहेंगे कि आर्कटिक वृत्त के आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। और ये वहां पर स्पेशली क्या पाई जाती है भाई, बर्फ पाई जाती है, तो बर्फ के जो घर हैं इनको अपन क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। सब लोग जानते हैं इनके बारे में, छोटे छोटे प्रश्न है। एस्किमो भाई आर्कटिक वृत्त के आसपास, या उसको अपन ये कहेंगे कि उत्तरी ध्रुव के आस में रहने वाले जो लोग हैं आर्कटिक वृत्त के आसपास शीत कटिबंध में रहने वाले बर्फीले स्थानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपन एस्किमो कहते हैं, और ये बर्फ के घरों में रहते हैं, इसलिए इनके बर्फ के घरों को अपन क्या नाम देते हैं, इग्लू नाम देते हैं। इतना सा और सिक्स्थ क्लास की बुक में आप लोगों के लिए है। तो आगे जो है वो 8वां व 9वां लेसन जो है वह उनमें से कोई खास ज्यादा प्रश्न नहीं है। क्या क्या प्रश्न है मैं आप लोगों से मैं कर रहा हूं भाई, 8 से लेकर के 13वें पार्ट तक कोई ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी जो प्रश्न है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी बोर्ड पे सारे प्रश्न लिख करके अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह इनमें है, लेसन नंबर 8 से लेकर के लेसन नंबर 13 तक के प्रश्न अपन चर्चा करेंगे। 8 से लेकर के जो 13 तक जो लेसन है उनमें कोई खास महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए छोटे से छोटा प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने लेके आया हूँ। कक्षा 8 से लेकर के जो 13 तक के जो लेसन है ना, वो उसमें बहुत ही कम महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर भी जो बढ़ते हैं उनके बारे में अपन मैं आपके सामने शब्द लेके आया हूँ। नंबर फर्स्ट प्रश्न जो है वो बन रहा है लेसन नंबर 8-9 से कि इडली डोसा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, दक्षिणी भारत का। ढोकला खमन कहाँ का है, गुजरात का। ढोकला खमन कहाँ का है, गुजरात का। वही राजस्थान वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। ढोकला खमन कहाँ का है, गुजरात का। लिट्टी चोखा जो भोजन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बिहार का। दाल बाटी चूरमा आप सबको पता है हम राजस्थान के चूरमा, तो राजस्थान का है। मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, पंजाब का प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ नृत्यों के बारे में भी प्रश्न थे इन लेसन में भी, उनके लिए भी कॉमन बात है, सब लोग आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने कहा था छोटे से छोटा प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए मैं इनको शामिल कर रहा हूं कि बिहू असम का नृत्य है, ओणम केरल का नृत्य है, पोंगल तमिलनाडु का है, छठ पूजा बिहार का है, और वैशाखी पंजाब की है। सब जानते हैं छठ पूजा बिहार का, पोंगल तमिलनाडु का, ओणम केरल का, और बिहू असम का है। फिर लेसन नंबर 10 में एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे को लगा, वह था उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया, तो 1986। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था, 1986 में। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न 8, 9, 10 से कि भाई ओणम केरल, पोंगल नृत्य तमिलनाडु का, छठ पूजा कहां पर की जाती है, बिहार में, और वैशाखी जो का त्यौहार है कहां का प्रसिद्ध है, पंजाब का प्रसिद्ध है। खूब बार प्रश्न पूछा जाता है, बिहू असम का है, ये भी खूब बार ये दिल्ली पुलिस एसएससी वगैरह में आजकल कॉमन प्रश्न हो गए हैं, सब लोग इनको जानते हैं और आप लोग भी शायद इनको जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों के सामने मैंने ये प्रश्न रखे हैं, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लेकिन बेसिक नॉलेज जिनको नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है और एग्जाम में उनके लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिर लेसन नंबर जो 13 है उससे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है लेसन नंबर 13 में, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अपन बच्चों को पढ़ाएंगे, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो इसके अधिकार क्या क्या हैं, ये राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। ठीक है, नेक्स्ट यूएनओ द्वारा बाल अधिकार अधिवेशन कब आयोजित किया गया, बाल अधिकार जो बालकों को स्वच्छंद जीवन जीने के लिए आवश्यक जो अधिकार है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं,
तो यूएनओ द्वारा बाल अधिकार अधिवेशन कब आयोजित किए गए, जिनमें बाल अधिकारों का को डिसाइड किया गया था कि ये बाल अधिकार होंगे, तो 20 नवंबर 1989, कब 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1989 ठीक है, को बाल अधिकारों से संबंधित सम्मेलन जो है यूएनओ ने आयोजित किया 20 नवंबर 1989 को, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन के आधार पर, यूएनओ के सम्मेलन के आधार पर बाल अधिकारों को भारत सरकार ने भी मान्यता प्रदान की। तो कब भारत सरकार ने बाल अधिकारों को मान्यता कब प्रदान की, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है। कब 11D, वही 23D 5D आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4D, ठीक है। तो ये 11D है, 11 दिसंबर 1992, ठीक है, 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि PC&PNDT Act 1984 किससे संबंधित है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। PC&PNDT Act 1984 किसी गाइड में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा तो भी आप लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि कौन पूछता है इन प्रश्नों को, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो यह है, बहुत ही जो राजस्थान के में ये या पूरे इंडिया में ही ये कन्या भ्रूण हत्या जो अभिशाप है वह चल रहा है, तो उसे उसको रोकने के लिए PC&PNDT Act 1984 जो है लागू किया गया। मतलब PC&PNDT Act किससे संबंधित है, 1984 कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, 2006 में। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 जो ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको आप जोखिम भरे व्यवसायों में नहीं लगा सकते, कब कौन से अधिनियम के द्वारा, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, ठीक है। किशोर न्याय संरक्षण व देखभाल अधिनियम 2000 में पारित किया गया। और किशोर न्याय, देखो किशोर न्याय तो 2000 में, 2000 रुपये दो और किशोर का न्याय लो, मतलब छोटे बच्चों को 2000 रुपये दे दो तो बहुत अधिक है और खुश हो जाते हैं। तो किशोर न्याय जो है वो 2000 किशोर न्याय, और बाल श्रम जो है 1986। उपभोक्ता संरक्षण जब लागू किया गया तभी बाल श्रम अधिनियम लागू किया गया 1986 में। किशोर न्याय क्या कहता है, बच्चों के रोजगार को, बच्चे जो है उनसे रोजगार करवाना उनको दंडनीय अपराध मानता है किशोर न्याय संरक्षण व देखभाल अधिनियम, फिर ठीक है। बाल यौन हिंसा, इसका मतलब है पोस्को एक्ट, बाल यौन हिंसा को रोकने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनके साथ यौन हिंसा को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट का जो पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये खूब आ रहा था। पोस्को एक्ट जो है वह बाल यौन हिंसा से संबंधित है, कब लागू किया, 2012 में। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, 1098, जो राजस्थान के लगभग 20 जिलों में इसको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चालू किए गए हैं। दोस्तों ये थे कक्षा 6 के 8 से लेकर के 13 लेसन तक महत्वपूर्ण प्रश्न थे, छोटे प्रश्न हैं लेकिन फिर भी मैंने सोचा इनको भी अपन शामिल करते हैं और आप लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इनको एंजॉय कर रहे होगे, लेकिन इस टॉपिक जो है शायद पूर्ण नहीं है, मेरे को भी लगता है कि अपन पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो 6th में है वो आपको बता रहे हैं। प्रयास भी मेरा यही था, अब स्टेप बाय स्टेप अपन लेंगे। अलग से क्लास मेरी जरूर देखें आप टॉपिक वाइज, वो भी मैं यूट्यूब पे अलग से डाल रहा हूँ राजस्थान का GK के नाम से। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए HR सर के साथ और अपना भविष्य संवारते रहिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कम से कम याद करें, जो भी लिखाया है रिवाइज करें, लाइक वाइक करते रहना भाई। धन्यवाद मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।